Assalamualaikum, this is Mubashra from the platform of Innovative Learning. Today this video is about drinking manners and this video is made to empower your spoken English regarding this topic. As we know that English has become a global language and it helps in communication, so everyone wants to improve it. You can also improve it easily by learning these sentences. So let's see the first slide. This is the first slide that we are doing about today's topic, which is about drinking manners. You can use these sentences in your daily life and you can empower your spoken English. So let's see the first sentence. If you want to say someone ke hamesha peene ke liye saaf paani ka istemal kare, you can say always drink clean water. Aur agar aap kisi se ye kehna chahte ho ke kisi darya, nehar ya talab se paani na pe, you can say don't drink from river, canal or pond. और अगर आप किसी को ये कहना चाह रहे हो कि कॉमन या कम्युनिटी ग्लास के इस्तेमाल ना करें, कॉमन और कम्युनिटी ग्लास मींस कि एक ही ग्लास फॉर एग्जांपल वाटर पॉइंट्स पे रखा होता है, सारे लोग एक ही ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जर्म्स लग जाते हैं, सो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह है. यू कैन से डोंट यूज़ कॉमन और कम्युनिटी ग्लास. और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमेशा साफ ग्लास का इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए, यू कैन से ऑलवेज यूज़ क्लीन ग्लास फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. और अगर आप ये कहना चाह रहे हों कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, यू कैन से डोंट ड्रिंक वेरी कोल्ड वाटर. एंड इफ़ यू वांट टू से समवन के जो ड्रिंक्स होती हैं बाज़ार से मिलती हैं वो ना इस्तेमाल किए, यू कैन से अवॉइड ड्रिंक्स फ्रॉम बाज़ार्स बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इट कॉजेज लॉट्स ऑफ डिसीज़ एंड इट कॉजेज लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स वेल. तो यू कैन से दिस सेंटेंस देयर. If you want to say someone के soft drinks का इस्तेमाल ना करें because they are not good for health, you can say soft drinks are also bad for health. और अगर आप previous slide में जो हमने last sentence किया था avoid drinks from bazaars वो कहेंगे, तब आप also का word भी ये इस sentence में इस्तेमाल कर लेंगे कि soft drinks are also bad for health. उसी बात को continue करते हुए जब ये sentence इस्तेमाल करेंगे तब आप also का word भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल्सो का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही सेंटेंस बोलेंगे. और अगर आप ये कहना चाह रहे हों कि ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, यू कैन से फ्रेश फ्रूट जूस इज़ गुड फॉर हेल्थ. और अगर आप ये कहना चाह रहे हों कि ड्यूरिंग समर मौसम गर्मा के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पिए, यू कैन से ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर. और अगर आपने ये कहना हो कि ड्यूरिंग समर जब पानी पिए तो उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल भी करें बिकॉज हमारे जिस्म से बहुत ज़्यादा नमकियात खारिज होती हैं पसीने के साथ, तो इसलिए पानी पीते हुए सॉल्ट का इस्तेमाल भी करें उसी के अंदर ऐड करके. यू कैन से यूज़ सॉल्ट इन वाटर ड्यूरिंग समर. और अगर आपने ये कहना हो कि दूध डेली पिया करें, यू कैन से टेक मिल्क डेली बिकॉज इट मेक्स स्ट्रॉन्गर योर बोन्स. आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश रिगार्डिंग ड्रिंकिंग मैनर्स. Keep on watching for more videos. Thank you so much for watching this video.